यूपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उपचुनाव पर नतीजे जो आए हैं आजमगढ़ और रामपुर के उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आजमगढ़ में पार्टी को तीसरे स्थान पर मिले अच्छे प्रदर्शन से बीएसपी खुश है। भले ही आपको बता दें कि चुनाव हारी हो लेकिन बीएसपी प्रत्याशी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बीएसपी प्रत्याशी ने कांटे की टक्कर यहाँ पर दी है। उपचुनाव नतीजों पर आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि उपचुनाव को रूलिंग पार्टी को लेकर ही जीतती है, ये बीएसपी अध्यक्ष ने कहा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि उपचुनाव को रूलिंग पार्टी अधिकतर चुनाव जीतती है, फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी सपा और भाजपा के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों और कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। ये यूपी के उपचुनाव ने परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि केवल बीएसपी में ही नहीं यहाँ भाजपा को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। यह बात पूरी तरीके से खासकर विशेष समुदाय को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हो सके। एपी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।